हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये न्यू बॉर्न बेबी का स्वेटर मैंने बनाया है, जो बहुत ही छोटा है, 0 साइज़ का है। इतना छोटा स्वेटर मार्केट में भी आसानी से नहीं मिलता है। तो इस स्वेटर को कैसे बनाया है, मैं ये तरीका इसका बताने वाली हूँ। ये ऊपर से बना हुआ स्वेटर है और इसमें मैंने गले से ही ये स्टार्ट हुआ है, एक में बुना हुआ स्वेटर है और जाली बना के इसके फंदे बढ़ाए हैं। और देखिए, इस तरह से मैंने स्लीव्स में डिज़ाइन डाली है, क्योंकि बहुत ही छोटा स्वेटर है और इसमें ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं बन सकती थी। केबल की डिज़ाइन मैंने डाली है, तो इस तरह से मैंने पूरे स्वेटर में ही डिज़ाइन डाली है। आस्तीन में ये देखिए, इस तरह से मैंने डाल दिया है और ये दो कलर में मैंने स्वेटर को तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, ये स्वेटर ऊपर से बुना हुआ है। फ्रेंड्स, मैं इसका तरीका मैं दूसरा स्वेटर मैं बना रही हूँ, उसको बना के दिखाऊंगी। इस स्वेटर को बनाते टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से मैं टोटली इसकी डिटेल्स नहीं दे सकती। तो अब ये मैं दूसरा स्वेटर बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 66 फंदे डाले हैं। मैंने उस स्वेटर में भी 66 फंदे ही डाले थे, इसमें भी वैसे ही डाला, सेम मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने फंदे डिवाइड किए हुए हैं। फ्रेंड्स, एक में बना हुआ स्वेटर है, बटन पट्टी के लिए मैंने 6 फंदे रखे हैं, जो साथ में बुनती चली जाएगी। आगे से खुला हुआ ओपन स्वेटर है और 6 फंदे मैंने बटन पट्टी के रखे हैं। 4 फंदे जालियों के लिए हो गए और 20 फंदे बैक के लिए हैं और 8 फंदे फ्रंट साइड के, 8 फंदे स्लीव्स के। इस तरह से मेरे 66 फंदे डिवाइड हो गए हैं। तो इसी 66 फंदे में मैंने स्वेटर को स्टार्ट किया है। तो चलिए बुनाई स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर आप अपने मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। मैंने इस स्वेटर में दूसरा थोड़ा डिफरेंट बॉर्डर रखा है और पिछले में मैंने सीधा सीधा बुना था। एक सीधा एक उल्टा का भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो ये 6 फंदों का पहले बॉर्डर तैयार करते हैं, फिर आगे हम चाहे डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसे प्लेन बुना है, ऊपर से भी डिज़ाइन डाली जा सकती है, लेकिन मैंने प्लेन बुना है। और अब देखिए, 8 फंदे हम फ्रंट साइड के बुन लेंगे, 6 फंदे बॉर्डर के और 8 फंदे फ्रंट साइड के। फिर 8 फंदे बुनने के बाद हम जाली बनाएंगे, जाली से ही फंदे को बढ़ना है। फिर एक फंदा आगे करके जाली बनाई, एक फंदा सीधा बुना और एक फंदा जाली बनाई। अब 8 फंदे स्लीव्स के लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 फंदे स्लीव्स के हो गए। फिर फंदा आगे करके एक जाली बनाएंगे, सीधा बुन के, एक सीधा बुना फिर एक जाली। तो ये इस तरह से हमारे 2 फंदे बढ़ गए, 2 2 4 फंदे बढ़े, फिर 2 4 फंदे उधर बढ़ेंगे। अब बीच के बैक पोर्शन हम बुन रहे हैं, बैक पोर्शन में हम 20 फंदे रखेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये इसकी बुनाई हो रही है। 20 बीच के फंदे हमने 20 फंदे रखने हैं। 20 फंदे बुनने के बाद फिर हमें एक जाली बनानी है और एक सीधा बुनना है, फिर एक जाली बनानी है। फिर इसके बाद हमें स्लीव्स के 8 फंदे बीच में रखने हैं। फिर उसके बाद
फिर हमें 8 फंदे के बाद फिर हमें ये देखिए बीच का हमें स्लीव्स का पोर्शन हमारा तैयार हो गया। और अब हमें फिर से एक जाली बनानी है, फिर एक सीधा बुनना है, फिर एक जाली बनानी है और फ्रंट का पोर्शन बनाना है। फ्रंट के लिए हमें 8 फंदे रखने हैं। और फिर 6 फंदे बटन पट्टी के बचा लेने हैं। अभी हमारे फंदे डिवाइड हो गए और 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। तो हमने जो डिज़ाइन डाली है बटन पट्टी में वही डिज़ाइन बना लेंगे। अब फ्रेंड्स हम उल्टी साइड देखिए हमें कैसे बनाना है। उल्टी साइड में हमें वो सिलाई उल्टी बुननी है, तो बैक पोर्शन तक हम पहले आते हैं। पहले हम फ्रंट पोर्शन पूरा उल्टा बुन लेते हैं। ये हमने फ्रंट बुन लिया, फिर हमारा स्लीव्स का पोर्शन हो गया। ये हमारी जाली बन गई। अब हम बैक पोर्शन पे आ गए। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैक पोर्शन कंप्लीट हो गया और हम जाली तक आ गए। अब हम यहाँ से फिर से दोबारा रिटर्न होके 2 सिलाइयाँ और बुनेंगे ताकि पीछे का हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ रहे, उठा हुआ, मतलब कि गले का बैक पोर्शन में थोड़ी सी ऊंचाई रहनी चाहिए, तो इसलिए 2 सिलाई का फ़र्क आ जाएगा तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा पीछे का हिस्सा। तो हम फिर सीधा सीधा पूरा बुन लेंगे जाली, एक जाली तक, अब स्लीव्स की जाली तक, फिर उसके बाद फिर दोबारा उल्टा बुन लेंगे। फिर वो पूरा उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई हमें कंप्लीट कर लेनी है। 2 सिलाई हमारी बैक पोर्शन में एक्स्ट्रा हो गई, एक सीधी और एक उल्टी। अभी देखिए अभी हमारी 2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा हो गई। अब आगे वाला हम आस्तीन का पोर्शन बुनेंगे और फिर फ्रंट पोर्शन बुनेंगे। इससे पीछे का हिस्सा थोड़ा सा उठ जाएगा। ये पूरी उल्टी बुननी, क्योंकि ये इस बॉर्डर में उल्टी सिलाई पे उल्टा ही बुनना है। अब 6 सिलाइयों का बॉर्डर फिर से तैयार करेंगे और हम फिर एक जाली फिर से बनाएंगे। जाली बनाते हुए आगे हम बुनाई करते रहेंगे।
अभी हम और 6 सलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे पहले, फिर सीधा बनेंगे। अब हमारे 8 फंदे के बजाय 9 फंदे हो गए। इस तरह से अब हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी जाली भी बनती रहेगी। एक सीधा बुना, फिर एक जाली बनाएंगे। ये जाली हमें हर बार बनानी है, हर सिलाई पे सीधी साइड में हमें जाली बनानी है, उल्टे। अब इस तरह से हमारे फंदे बढ़ने लगेंगे। फ्रेंड्स, ये स्वेटर मैंने बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाया हुआ है और इसी तरह से जालियां बनाते हुए इस तरह से फ्रंट पोर्शन ऐसे रखा, फिर ये जाली बनाई, फिर आस्तीन का पोर्शन, फिर बैक पोर्शन और फिर स्लीव्स का पोर्शन, फिर फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन में मैंने 2 सिलाई एक्स्ट्रा भी बुनी है। तो इस तरह से बनाया है और ये मैंने इसे 16 जालियां मैंने इसमें बनाई है, इसमें मैंने 16 जालियां बनाई है और फंदे 16 जाली बनाते हुए फंदे बढ़ते गए हैं। और फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 ये मैंने टोटल 16 जालियां मैंने ये बनाई है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हम इसी तरह से जाली बनाते बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा स्वेटर का आस्तीन तक का पोर्शन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर ये आस्तीन का हमें फंदे उठा के फिर हमें इस तरह से आस्तीन अलग से बनानी है, फिर ये नीचे का पोर्शन हमें इस तरह से अलग से बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अब हम इस तरह से बॉर्डर बना के और फिर आगे बुनाई करते रहेंगे और हर बार सीधी सिलाई में जाली बनाते रहेंगे, दो दो जाली। तो हमारे फंदे बढ़ते रहेंगे और हमारी जालियां बढ़ती रहेगी। और 16 जाली मैंने बनाई है। तो इस तरह से जाली बनाते हुए जब हमारी जाली कंप्लीट हो जाएगी फिर हम बुनाई को रोक देंगे और मुड्ढे को अलग कर देंगे, मुड्ढे के हिस्से को। तो इस तरह से देखिए, ये जालियां बनाते हुए हमें इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम जाली हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई में जाली बनाएंगे, उल्टी सिलाई में पूरा उल्टा बुन लेंगे। और इसी तरह बुनते हुए मुड्ढे तक आ जाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक बुन के तैयार कर लिया और ये स्लीव्स का पोर्शन ये है और मुड्ढे तक की बुनाई हो चुकी है। अब इसे अलग करना है। तो अब इसी सिलाई में मैं कैसे अलग करना है, मैं इसको अलग करके दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले हम इसको बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे, फिर बॉर्डर बुनने के बाद फ्रंट पोर्शन पूरा बुन लेंगे। फ्रंट पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हमें आस्तीन का पोर्शन हमें अलग करना है। अब ये देखिए, ये हमारा ये फ्रंट का हिस्सा हो गया। अब हमारा ये आस्तीन का हिस्सा है, इतने फंदे आस्तीन के जो फंदे हैं अब इन्हें हमें उतारने हैं। तो अब इसके लिए हमें एक सेफ्टी पिन पे सारे फंदे उतार लेने हैं।
ये देखिए इस तरह से सारे फंदों को हम सेफ्टी पिन में लगा के फंसा लेंगे उतार के। तो इन फंदों को हमने सेफ्टी पिन पे उतार लिया और इसे इस तरह से बंद कर दिया। अभी हमारे फंदे अलग हो गए स्लीव्स के, और अब हम फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन दोनों साथ में बुनेंगे। फंदा थोड़ा सा टाइट कर लें ताकि जो है गैपिंग ख़त्म हो जाए, तो इसके टाइट करना ज़रूरी है, नहीं तो गैपिंग रह जाएगी। अब पूरे फंदे बैक पीछे के हिस्से का पूरा पोर्शन का फंदा हमें पूरा बुन लेना है। अभी हमारी स्लीव्स का हिस्सा अलग हो गया। अब फ्रेंड्स ये हमारा बैक पोर्शन बुन लिया गया कि बैक पोर्शन के सारे फंदे कंप्लीट हो गए। अब हमें दूसरी तरफ की स्लीव्स के फंदे भी इसी तरह से अलग करने हैं। यहाँ तक के फंदे बुन लेंगे, फिर हमें आस्तीन का के फंदे को अलग करना है। अभी देखिए ये फ्रेंड्स ये हमारे स्लीव्स के फंदे हैं, अब इनको अलग करेंगे। अब फ्रेंड्स मैं अभी दूसरा तरीका इसके फंदे को अलग करने का दिखा रही हूँ। ये हम सुई से भी इसको अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको सुई में इस तरह से पूरे पिरो के और धागे में फंसा के सारे फंदे को बांध के अलग किया जा सकता है। एक तरीका ये भी है, अगर आपके पास बड़ी सेफ्टी पिन नहीं है तो आप इस तरह से सुई में फंसा के और धागे में ऊन में ही बांध के अलग कर सकते हैं। कि अक्सर बड़ी वाली सेफ्टी पिन चाहिए होती है तो नहीं होती है। अब ये देखिए इस तरह से हमने ऐसे बांध लेना है फंदे को। अब फिर से हमें आगे के पोर्शन के फंदे को बुन लेना है और थोड़ा सा टाइट कर लेना है, इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है ताकि स्पेस ना रहे, गैपिंग रहेगी तो फंदे ढीले रहेंगे। तो अब हमारे सीधे फंदे पूरे, अब हमारी सिलाई पे आगे का पीछे का और आगे का ये फंदा सारे आ गए और आस्तीन के फंदे सारे अलग हो गए। अब हमें इन फंदों को नीचे की लेंथ के हिसाब से बुनाई कर लेनी है। बुनाई अगर डिज़ाइन डालना है तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, प्लेन बुनना है तो प्लेन बुन सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी पर है। मैंने डिज़ाइन नीचे ही डाली थी।
तो फ्रेंड्स इस तरह से ये आपने इसे अलग करने का तरीका देख लिया कि किस तरह से फंदों को अलग किया जाता है आस्तीन को, और ऊपर से किस तरह से बुनाई की जाती है। फ्रेंड्स ये मैं बिगनर्स के लिए इतना बता रही हूँ, जो लोग रेगुलर बुनते हैं तो उन्हें तो जानकारी होती ही है। अब ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इस तरह से अब ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे, और अगर हमें डिज़ाइन डालना हो तो हम डिज़ाइन डाल सकते हैं। हमारे ये दोनों पोर्शन अलग हो गए आस्तीन के, और अब हमें आगे पीछे का दोनों का हिस्सा हमारा अलग हो गया इस तरह से। और मैंने देखिए स्वेटर में डिज़ाइन डाल रखी है, इस तरह से डिज़ाइन पड़ सकती है, और डिज़ाइन डालते हुए या सिंपल भी इसे बुनाई आगे नीचे का पोर्शन की बुनाई कंप्लीट कर लेनी है। फिर जब ये नीचे का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर हम आस्तीन के फंदों को सलाई पे चढ़ा के फिर आस्तीन बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से ये सारा हमने नीचे का पोर्शन हमें इस तरह से बना लेना है। ये इस तरह से जैसे ये इसमें है, इसको मैंने इसी तरह से बनाया है। वहाँ तक बुनने के बाद फिर डिज़ाइन डाल दी, और डिज़ाइन डालने के बाद मैंने ये पूरा इतना पोर्शन बना लिया, और ये चारों तरफ के सारे डिज़ाइन डालते हुए सारा बुन लिया। अब बुनने के बाद ये बॉर्डर बुन के इसको उतार भी दिया, तो इस तरह से ये स्वेटर बनेगा। और फिर उसके बाद फिर स्लीव्स को हमें बनाना है, स्लीव्स के फंदे के उतार चढ़ा लेंगे सिलाई पे, और फिर सिलाई पे देखिए इस तरह से सिलाई पे मैंने चढ़ा लिया फंदे को, और अब हम स्लीव्स को इस बुन लेंगे। इस तरह से फंदे पे चढ़ा के स्लीव्स बनाएंगे। फंदे पे मैंने इस तरह देखिए ये एक स्लीव्स मैंने बना रखी है। इस तरह से मैंने ये स्लीव्स बनाई है। इस कलर से मैंने पहले ये कलर बनाया है, फिर उसके बाद ये दूसरा कलर लगा के डिज़ाइन बना के मैंने स्लीव्स तैयार की है। इसी तरह से सेम इसमें भी स्लीव्स को बना लेना है, और यही तरीका है इसका स्लीव्स बनाने का कि फंदे जो है हमने जो सेफ्टी पिन पे चढ़ाए थे उसको सिलाई पे चढ़ा लेंगे, फिर स्लीव्स बुन डालेंगे। स्लीव्स को सीधी बुनना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, चूँकि बहुत छोटे बच्चे का स्वेटर है, और फंदे बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़ा ढीली स्लीव्स होती है तो पहनाने में भी इजी होता है, तो इसलिए इसमें फंदे घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे बुन डालने हैं। और फिर लास्ट में हमें बॉर्डर बुन लेना है। तो इस तरह से ये देखिए ये स्वेटर मैंने बन के तैयार किया है। इस तरह से ये जाली बनाते हुए मैंने सारे पोर्शन को अलग अलग किया है, और ये इसी तरह से स्वेटर बनता है। अब स्लीव्स इस तरह बन जाएगी, और स्लीव्स में बुनने के बाद स्लीव्स की 4 इंच से थोड़ा ज़्यादा मैंने 4.5 इंच स्लीव्स बुनी है, फिर उसके बाद बॉर्डर बुन लिया है, और लास्ट में इसमें चिट बटन लगा लेंगे। अगर आपको बटन लगाना हो तो बटन होल्स बना लें, और मैंने चिट बटन लगाया है क्योंकि चिट बटन ज़्यादा इजी होता है छोटे बच्चों के स्वेटर में। तो इस तरह से ये देखिए ये बेबी स्वेटर बन के तैयार हो गया है। ये न्यू बॉर्न बेबी का है, स्वेटर का साइज़ है 0 साइज़ का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।